जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस के जॉब से ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डाक विभाग के द्वारा रिक्वायरमेंट जारी की गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी पोस्टें रहेंगी वो पोस्टल असिस्टेंट, शॉटिंग असिस्टेंट की और पोस्टमैन मेल गार्ड की, और इसके बाद LDC की और PAO की और मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसमें आपको अलग अलग वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे, तो जैसे ही आप इसके सेकंड पेज पर आओगे तो इसमें आपको वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताया गया है कि अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिंसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, इसके बाद आपका सर्कल ऑफिस या DAP अम्बाला है, तो उसमें कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए आपको इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने जो इसका परफॉर्मा है वो जिस एड्रेस पर भेजना है वो है द ऑफिस ऑफ CPMG हरियाणा सर्कल, 107 माल रोड, अम्बाला, अम्बाला कैंट 13301 पर आपने इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए सेंड करना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो इसमें जो आपकी पोस्टें हैं पोस्टल असिस्टेंट, शॉटिंग असिस्टेंट, LDC की या फिर आपकी पोस्टमैन या मेल गार्ड की, इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल तक दी गई है। और दोस्तों, जो आपकी पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल तक दी गई है। तो दोस्तों, बात करें इसकी पे स्केल की, तो इसमें जो आपकी पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट और शॉटिंग असिस्टेंट की, इसमें आपकी सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये तक रहेगी। और इसके बाद पोस्टमैन या मेल गार्ड की, इसमें आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये तक, और LDC की 19,900 से 63,200, और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की 18,000 से 56,900 रुपये तक रहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो आपकी पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट या शॉटिंग असिस्टेंट की, इसके लिए आपकी 10th+2 पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, बाकी का क्राइटेरिया आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है पोस्टमैन की, इसके लिए भी आपकी 2+ पास होनी चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि हिंदी है। और इसके बाद भी इसमें आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी मेल गार्ड की है, इसके लिए भी आपकी 2+ पास होनी चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज हिंदी का ज्ञान होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है LDC की, उसमें आपकी 2+ पास होनी चाहिए। और इसके बाद जो आपकी MTS की है मल्टी टास्किंग स्टाफ की है, इसमें आपकी 10th पास होनी चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपकी स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इसमें जो जो स्पोर्ट्स वाले इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसमें आपको पूरी गेम्स का चार्ट दिया गया है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसमें आपका जो आपकी नेशनल या इंटरनेशनल जो आपके मेडल्स हैं वो कौन से, उसका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो इसमें आपको क्राइटेरियाज़ दिए गए हैं, वो आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपये रहेगी, जो कि आपने ई पेमेंट करनी है हरियाणा सर्कल स्पोर्ट्स, ये आपको इसमें दिया गया है। तो आपने इसका जो है चलान बनवाना है वो, जो कि आपका 18/9/2021 तक कंप्लीट होना चाहिए। तो आप बाकी जो इसमें पेमेंट का मोड है वो आप जो है इसे बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसका जो प्रोसेस है वो आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है, यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो इसमें आपको जो कंडीशंस हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी गई है, और डिसक्वालिफिकेशन की भी इसमें आपको प्रॉपर जानकारी दी गई है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें बताया गया है कि आप इसे अप्लाई कैसे करोगे। तो इसका जो एड्रेस है सेंड करने का वो मैंने आपको पहले बता दिया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, जो इसका इनवेल्प है उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट 2015-2021 हरियाणा सर्कल, ये आपने उस पर ज़रूर लिखना है।
तो दोस्तों इसके बाद आपको फॉर्म वन दिया गया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फॉर्म टू दिया गया है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फॉर्म थ्री दिया गया है, फॉर्म फोर दिया गया है वो आप यहाँ से इसे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें इसकी एप्लीकेशन परफॉर्मे की, तो इसमें आपको सबसे नीचे इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया है जो कि आपने प्रिंट आउट निकलवाना है और इसे प्रॉपर अच्छी तरह से फिल करना है और इसे आपने सेंड करना है। यहाँ पर आपको इसका पूरा परफॉर्मा एलिजिबिलिटी के साथ दिया गया है, तो आपने यही जो है इसी का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपकी कोई क्वारी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज की डिटेल लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।